नमस्कार लनस, मैं डॉक्टर रुचि पांडे उत्तराखंड ओपन इंस्टीट्यूट के डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री से बीएससी सेकंड ईयर के इनऑर्गेनिक की केमिस्ट्री का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पार्ट फर्स्ट लेके आई हूँ। बीएससी सेकंड ईयर के स्टूडेंट के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो होते हैं वो आपके बाद में आईयूपीएसी नेमिंग और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये आज आपका स्टार्ट हो रहा है पार्ट फर्स्ट की। पार्ट फर्स्ट हम आपको बेसिकली हम इस यूनिट में क्या पढ़ाएंगे, इन दिस यूनिट यू विल बी एबल टू डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सबसे पहले हम इसमें क्या पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ेंगे कि मतलब हम किसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। नंबर टू लिगेंड्स, सेकंड इन्फॉर्मेशन दी जाएगी लिगेंड्स की। थर्ड इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, सो व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर इन द कोऑर्डिनेट कंपाउंड, कोऑर्डिनेट कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। नंबर फोर्थ कॉम्प्लेक्स आयन, किस को हम कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, हमारी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन स्फीयर किसे कहा जाता है। चीलेट्स, चीलेट्स क्या होते हैं, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी एंड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं ईए नंबर। ठीक है, ये बार बार आपको एग्जामिनेशन में निकालने को आता है कि आप किसे लीगेंड को आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे कैलकुलेट करोगे किसी का। शॉर्ट नोट्स आता है मोस्टली लीगेंड्स पर, कोऑर्डिनेशन नंबर पर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स पर। तो बेसिकली आप इसमें ये टॉपिक पढ़ोगे, नेम ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बोला है नेम ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग कैसे करोगे, आईपीसी नेमिंग कैसे करोगे। हाउ टू डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड की जाएगी, एप्लीकेशन ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और उसके पश्चात सबसे लास्ट में हम एक्सप्लेन करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की एप्लीकेशन। तो बेसिक इंट्रोडक्शन, व्हाट आर द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, these are mainly two types of compounds, the compound that can be easily dissociated into their constituents ion in aqueous medium are called simple salt and double salt. वो compound जो mainly किसी भी aqueous medium में क्या हो जाते हैं, आयनाइज हो जाते हैं, इजिली कॉन्स्टिट्यूट आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सिंपल सॉल्ट या डबल सॉल्ट के नाम से जानते हैं। लाइक दैट हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया NaCl, NaCl को एक्वस मीडियम में डालने हुए तो आपका ब्रेक हो जाएगा किसमें, Na प्लस और Cl माइनस में ब्रेक हो जाएगा। सेम वे MgCl2 को आप ब्रेक करेंगे तो किसमें ब्रेक हो जाएगा, Mg2 प्लस और 2Cl माइनस, यानी कि वो आयनों में ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे क्या हुए, सिंपल सॉल्ट के नाम से जाने जाते हैं। दूसरे आपके हैं हमारे पास डबल सॉल्ट, हमारा दूसरा क्या है आपका डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट जो डबल्स आयंस से मिलके बने होते हैं, यानी कि वो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स ब्रेक तो होंगे, जैसे कि आपको दिखाई एग्जाम्पल देती है FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 6H2, तो FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 6H2 जो है, इसको हम कहते हैं नॉर्मली क्या कहते हैं, फेरस अमोनियम सॉल्ट, यानी कि मोर सॉल्ट, हिंदी में कहते हैं मोर रबर, फेरस अमोनियम सॉल्ट, ये फेरस अमोनियम सॉल्ट है आपका। तो ये क्या है, डबल सॉल्ट क्यों कहलाता है, क्योंकि ये डबल कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स डबल सॉल्ट से मिलकर बना हुआ है। जैसे कि ये किससे मिलकर बना है, एक FeSO4, एक NH4SO4 और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 इसमें प्रेजेंट है। सेम वे दिस इज द K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2, जिसे हम कहते हैं पोटास एलम फिटकरी, सिंपल लैंग्वेज में इसे क्या कहते हैं, फिटकरी। ये भी दो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल से मिलकर बना है, कि कैसे, एक है K2SO4, दूसरा Al2SO4 का होल थ्राइस और उसमें क्या है 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर इज अटैच्ड आल्सो। तो दीज आर द डबल सॉल्ट, इसे हम किस नाम से नॉमिनेट करते हैं, डबल सॉल्ट के नाम से जानते हैं। बात आती है कि हमारी बात आती है कि ओनली कि ये कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स हमारे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए, ऑन द अदर हैंड द कंपाउंड विच नॉट डू नॉट डिसोसिएट इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूट आयन इन एनी सॉल्वेंट आर नोन एज द कोऑर्डिनेट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जो आयनों में ब्रेक हो जाते हैं वो तो आपके क्या कहलाते हैं, सिंपल सॉल्ट कहलाते हैं। ठीक है, यह डबल सॉल्ट कहलाते हैं। सिंपल सॉल्ट क्या हुआ, सिंपल आयन, जैसे NaCl, MgCl2, KCl, ये हो गए सिंपल सॉल्ट। डबल सॉल्ट जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल डबल आयन से मिलकर बनाते हैं उसे हम कहते हैं डबल सॉल्ट। लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं जो आयन में ब्रेक नहीं होते हैं, वो कंपाउंड किस कैटेगरी में आते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कैटेगरी में आते हैं। हमारे वो कंपाउंड क्या होता है, कोऑर्डिनेशन और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की कैटेगरी में आते हैं, जैसे CuNH3 का होल 4 2+। अब हमारा इसको कैसे करेंगे, CuNH3 का होल 4 2+ बोला तो दिस इज द कॉम्प्लेक्स आयन, दिस इज द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेट कंपाउंड। अब मैं आपको इसको एक छोटी सी तरीका बताती हूँ, आप कैसे फाइंड आउट करोगे इसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होता है, यानी कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो होता है, इसमें सेंटर मेटल जो होगा, ब्रैकेट के बाद का जो एलिमेंट होता है, इसको हम क्या कहते हैं, सेंटर मेटल। इसको हम किस नाम से जानते हैं, सेंटर मेटल। ब्रैकेट के बाद जो पहला एलिमेंट होगा सेंटर मेटल होगा, और वो हमेशा डी ब्लॉक एलिमेंट होगा।
ठीक है, डी ब्लॉक केमिस्ट्री को फॉलो करता होगा, ये हमारा कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट होगा। मोस्टली जो होता है 99% केस जो होता है ये हमेशा डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर जो भी मटेरियल होंगे वो आपके आयंस और मॉलिक्यूल्स दोनों हो सकते हैं। ठीक है, आयंस और मॉलिक्यूल्स, ये जैसे कि ये मॉलिक्यूल्स है, NH3 मॉलिक्यूल्स है, आयन भी हो सकता है, लाइक दैट हमारे जैसे एग्जाम्पल हो गया CuCl2 है। ठीक है, CuCl2, सॉरी एक मिनट, इसको ऐसा ले सकते हैं CuCl और NH3, हमने ये लिया, तो ये हो गया आपका ये। तो ये हमारा क्या है, आयन, ये हमारा आयन है, ये मॉलिक्यूल्स है। तो सेंटर मेटल इज द डी ब्लॉक एलिमेंट, सेंटर मेटल तो डी ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन ये आयन और मॉलिक्यूल्स दोनों से मिलकर बना हुआ है, हमारा आयन से भी मॉलिक्यूल से भी। ये हमारा आयन है, ये क्या मॉलिक्यूल्स है। उसके बाद इट शुड बी क्लोज बाय द स्क्वायर ब्रैकेट, ये हमेशा क्या होगा, स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज होगा। ऐसा नहीं है कि ब्रैकेट के बाहर आगे या पीछे कुछ नहीं होगा, आगे पीछे कॉम्प्लेक्स के आयन या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। कई जगह पर लिख सकते हैं H2O, कई केसेस में लिखा होता है Cl, वो क्या होता है वो आगे एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि आज तो बेसिक इंट्रोडक्शन है। तो इतना बता सकती हूँ मैं अभी एक बेसिक इंट्रोडक्शन में कि कॉम्प्लेक्स यानी कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड वो होते हैं इन विच द सेंटर मेटल इज द डी ब्लॉक एलिमेंट एंड इट इज सराउंडेड बाय द कॉम्प्लेक्स आयन एंड मॉलिक्यूल्स, वो आयन और मॉलिक्यूल्स से सराउंडेड होंगे। आफ्टर दैट द आयन और मॉलिक्यूल्स आल्सो शुड बी प्रेजेंट इन द स्क्वायर ब्रैकेट इन द प्रीवियस वे एंड द आफ्टर वे। हमारे जो आयन और मॉलिक्यूल्स होंगे प्रीवियस ब्रैकेट के प्रीवियस और आफ्टर दोनों प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स हमारे कौन से मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं, कोऑर्डिनेट मॉलिक्यूल्स यानी कि कोऑर्डिनेट आयन कंपाउंड के नाम से जाने जाते हैं। द ट्रांजिशन मेटल हैव एन एबिलिटी टू फॉर्म ए नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड ड्यू टू देयर स्मॉल साइज, हायर चार्ज एंड द प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी डी ऑर्बिटल ऑफ द मेटल आयन। जैसे कि मैंने बोला कि सेंटर मेटल जो होगा हमेशा डी ब्लॉक एलिमेंट होगा, लेकिन क्यों होगा, क्यों होगा, तो कारण यह है कि डी ब्लॉक एलिमेंट का मतलब क्या हुआ, ट्रांजिशन मेटल हैव द एबिलिटी टू फॉर्म ए नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड ड्यू टू, कारण क्या है, ड्यू टू स्मॉल साइज डी ब्लॉक, ड्यू टू स्मॉल साइज सेंटर मेटल का साइज स्मॉल है एंड हायर चार्ज, इन पे चार्ज ज्यादा है एंड द प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी डी ऑर्बिटल। सबसे मेन केस जो मैं फोकस करूंगी, प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी डी ऑर्बिटल, कहने का मतलब है डी ऑर्बिटल एम्प्टी होगा जितना ज्यादा वो उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ को एक्सेप्ट करेगा यानी कि गेन करेगा। और डोनेट कौन करता है, डोनेट हमेशा ये करता है सेंटर मेटल, अपने मेटल सेंटर मेटल कहा मैंने, सेंटर मेटल इज द सेंटर फॉर्म, सेंटर चीज तो हमेशा सेंटर पे रहेगी, वो कहीं नहीं जाएगी, लेकिन इसके सराउंडिंग में जैसे आपने बोला NH3 का होल फॉर्मूला, तो ये हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ सेंटर की तरफ डोनेट करेगा। और डोनेट कर रहा है तो डोनेट करने के बाद जो एक्सेप्ट कर रहा है उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल भी तो होना चाहिए। तो यही मैं बोल रही हूँ कि हमेशा डी ब्लॉक का एलिमेंट क्या होगा, उसमें मैक्सिमम क्वांटिटी में डी ऑर्बिटल क्या होगा, वेकेंट होगा, एम्प्टी होगा, तभी वो डोनेट किए हुए इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ को क्या कर सकेगा, एक्सेप्ट कर सकेगा। एंड द कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम द यूनियन ऑफ मेटल आयन और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज सेंटर मेटल एटम और आयन। इसीलिए हम कहते हैं कि सेंटर मेटल स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है, और उस डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए जो सराउंडेड एटम आयन और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉनों को यहाँ को डोनेट करते हैं। दैट मीन्स इट शुड बी क्लियर दैट द स्पीसीज विच कैन बी डोनेट द इलेक्ट्रॉन टूवर्ड द सेंटर मेटल साइड्स इट इज ए इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। वो हमेशा कौन सी स्पीसीज होगी, इलेक्ट्रॉन रिच होगी, जो अपने इलेक्ट्रॉन को सेंटर मेटल की तरफ को डोनेट करेगी। एंड द सेंटर स्पीसीज ऑलवेज इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज द डी ब्लॉक एलिमेंट एंड विच हैविंग ए एम्प्टी डी ऑर्बिटल। सो दैट मीन्स इट इज क्लियर दैट द सेंटर स्पीसीज द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग स्पीसीज एंड द सराउंडिंग स्पीसीज द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज एंड इट इज ए आयन एंड मॉलिक्यूल्स ऑल्सो। ओके, सो नाउ आफ्टर दैट हम ये भी कह सकते हैं कि द सेंटर स्पीसीज इज ए लुईस एसिड, इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, दिस इज ऑल्सो बिहेव एज ए लुईस एसिड, क्योंकि आप पहले भी पढ़ चुके हैं लुईस एसिड क्या होता है, द स्पीसीज विच हैविंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी दैट इज ए लुईस एसिड एंड विच स्पीसीज इज द इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द लुईस बेस एंड द इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज लिगेंड इज ए लुईस बेस। तो जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उसको, ये तो सेंटर मेटल हो गया, ये तो हमने क्लियर कर दिया कि दिस इज द सेंटर मेटल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज ऑल्सो नोन एज द लुईस एसिड and this is what, this is ion molecule known as the ligand। ye ion molecules kis naam se jane jate hain, this is known as the ligand, isko hum kya kehte hain, ligand which can donate one pair is called the coordinate compound or complex coordinate complex compound। to क्या मेन पर्पज क्या समझे, मेन पर्पज यह है कि सेंटर मेटल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, लिगेंड इलेक्ट्रॉन रिच होता है, सेंटर मेटल इज नोन एज द लुईस एसिड, लिगेंड इज नोन एज द लुईस बेस एंड लिगेंड ऑलवेज डोनेट द इलेक्ट्रॉन टू द सेंटर मेटल साइड एंड द प्रोड्यूस अ कॉम्प्लेक्स दैट इज नोन एज द कोऑर्डिनेट कंपाउंड। इस तरह से हम किसका निर्माण करते हैं, किस क्या प्रोड्यूस करते हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड को प्रोड्यूस करते हैं।
The coordinate compound is represented by the general formula ML plus minus MM. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सेंटर मेटल जो भी होगा आपका, मान लीजिए आपने बोला FeCN6 और ये हो गया माइनस थ्री. तो दिस इज द सेंटर मेटल. ये हमारा क्लियर हो गया सेंटर मेटल. दिस इज द लिगेंड. तो ये सेंटर मेटल, दिस इज द लिगेंड. एन का मतलब ये दो, एक दो तीन चार पांच छह कितना भी हो सकता है. ऊपर चार्ज का मतलब प्लस और माइनस चार्ज दोनों हो सकता है. बट आप अभी आप नहीं समझ पाओगे प्लस और माइनस चार्ज कैसे डिफाइन करते हैं. ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन है, इसी में बता रही हूँ. वेयर एम इज द मेटल आयन, एल इज द लिगेंड रिसेसिव स्पीसीज, एन इज द नंबर ऑफ एल अटैच्ड ऑफ द मेटल एटम आयन एंड चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन. ये मैंने आपको क्लियर कर दिया. ये सेंटर मटेरियल है, ये लिगेंड है. एल इज द नंबर ऑफ आयन स्पीसीज विच कैन बी अटैच्ड टू द सेंटर मटेरियल आयन एंड दिस इज द चार्ज प्रेजेंट इन द सेंटर मटेरियल. ये सेंटर मटेरियल में प्रेजेंट चार्ज को रिप्रेजेंट करता है. ठीक. नाउ आफ्टर दैट सम मेटल कॉम्प्लेक्स were prepared and used to the 18th century in the form of metal soil and vegetables extract as paint. The first we known as the coordinate compound is the Prussian blue. इनका यूज 18th century में किया जाता था. ये metal soil या vegetable extract से obtained होते थे. और सबसे पहला जो coordinate compound obtained हुआ वो था आपका Prussian blue, जिसका formula है Fe4FeCl6 का whole thrice. In the beginning of 18th century in 1798 डिटेक्ट जो हुआ हमारे 18th सेंचुरी में हुआ. कब? 1798 में COCl3.6H2O वाज डिस्कवर्ड. कोबाल्ट क्लोराइड के अमोनियम सॉल्ट हमारे डिस्कवर्ड हुए. डिस्कवर्ड बाय द वर्नर. किसने डिस्कवर्ड किया? वर्नर. एंड दिस इज थ्योरी आल्सो नोन एज द वर्नर थ्योरी. इसीलिए द डिस्कवर्ड बाय द वर्नर, वर्नर गेव अ थ्योरी अंडरस्टैंड द बॉन्डिंग इन द सच कॉम्प्लेक्स अबाउट द सेंचुरी लेटर इन द 1893. हालांकि डिस्कवर्ड 17वीं सदी में 1798 में हो गया था, लेकिन इसके बारे में वार्नर ने पूरी डिटेल जो दी वो कब दी? वो दी 1893 में, जिस थ्योरी को हम किस नाम से जानते हैं? वार्नर थ्योरी के नाम से जानते हैं. तो आज का बेसिक इंट्रोडक्शन तो वार्नर थ्योरी और सेंटर मेटल लिगेंड किस तरह से काम करते हैं वो आपको नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे. नाउ वी स्टडी द केमिस्ट्री ऑफ कॉर्डिनेट कंपाउंड बिकॉज दे हैव मेनी एप्लीकेशन इन द एनालिटिकल एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, मेटलॉजी, बायोलॉजिकल सिस्टम इंडस्ट्रीज एंड द मेडिसिन. आज की डेट में मेडिसिन साइंस में कॉर्डिनेशन केमिस्ट्री का इतना इंपॉर्टेंट रोल है कि हमारी मेडिसिन साइंस जो है इन्हीं मेटल्स या कॉर्डिनेशन केमिस्ट्री पर डिपेंड है. मोस्टली इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में भी मेटलॉजिकल ऑपरेशन में हमारे क्या होते हैं? कॉर्डिनेशन केमिस्ट्री हमारी बेसिकली इंपॉर्टेंट होती है. तो दैट मीन्स आज मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन बस मैं इतना ही बताया कि सेंटर मेटल किस तरह से काम करता है, लिगेंड किस तरह से काम करता है, उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं. लेकिन ये याद जरूर रखिएगा, दिस इज द सेंटर मेटल, दिस इज द लिगेंड एंड दिस इज द स्क्वायर ब्रैकेट इज द कंपल्सरी. जब वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपका क्लोज हो जाता है तो वो कंपाउंड कोऑर्डिनेट कंपाउंड होता है. इस पर प्लस चार्ज या माइनस चार्ज को एक्सप्लेन करने का तरीका आपको नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि आपको बताया जाएगा किस तरह सेंटर मेटल ऑप्टेन, सेंटर मेटल के सराउंडिंग लिगेंड लिखे जाते हैं और हम उसको किस तरह से प्रेजेंट करते हैं. ऐसा करके आपको समझ में आया होगा. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.